खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। हमारे K92 न्यूज़ के इंचार्ज पाकिस्तान स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद रेहान अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक, रोशनी के शहर कराची में एक हफ्ते से ज्यादा जारी रहने वाली टेक्सटाइल कौमी जूनियर टेनिस चैंपियनशिप की शानदार इनेकाद, कराची में मुनक्दा नेशनल जूनियर टेनिस चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई। ब्रिगेडियर राना शहजाद शफी एडमिनिस्ट्रेटर DHA कराची मेहमान खसूसी थे और ए रहीम रफी स्पॉन्सर मेहमान खसूसी थे। ब्रिगेडियर राना शहजाद शफी ने जूनियर अंडर 18 सिंगल्स के विनर लाहौर के असद जमान को 1,00,000 रुपये कैश, जबकि हैदराबाद के रनर्स अप मुजम्मल बेंड के लिए 50,000 रुपये कैश का ऐलान किया। उन्होंने होनहार नौजवान खिलाड़ियों को DHA कराची के तहत और सिंध टेनिस एसोसिएशन के तकनीकी महारत के साथ तैयार करने का भी ऐलान किया। ए रहीम रफ़ी ने DA क्रैक क्लब के ताबुन का शुक्रिया अदा किया, तमाम जीतने वालों और रनर अप को मुबारकबाद दी। गुलजार फिरोज तमगा इम्तियाज। सदर सिंध टेनिस एसोसिएशन ने स्पॉन्सर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड का शुक्रिया अदा किया नेशनल जूनियर टेनिस की आला सतह की हिमायत करने के लिए और उम्मीद जाहिर की कि वो मुल्क में टेनिस के खेल की सरपरस्ती जारी रखेंगे। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के नायब सदर मोहम्मद खालिद रहमानी ने इज्तिमा को मतला किया कि STA KTA इस कैलेंडर साल के बकिया 5 महीनों में मजीद 4 नेशनल जूनियर टूर्नामेंट और 2 सिंध रैंकिंग टूर्नामेंट मुनक्किद करेगा। ब्रिगेडियर अबरार हसन सेक्रेटरी DA क्रैक क्लब ने टेनिस की सेहतमंद सरगर्मियों के लिए क्लब की सहूलत की पेशकश की। दीगर सरकर्दा अफराद में रफ़ी दरबारी, शकील असलम, असगर बलोच, गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद तकी, गुलाम यासीन, अब्दुल हमीद, काजी अयाजुद्दीन, सईद अहमद, नसीम बुखारी, फरा रियाज, रईसा इशफाक, सरवर हुसैन, कर्नल मोहम्मद इब्रार आलम, मेजर फर्रुख, मोहम्मद आमर, जहरा कुरैशी, आबाद सरवर और कर्नल जीशान शामिल थे। जूनियर अंडर 18 सिंगल्स फाइनल असद जमान लाहौर ने मुजम्मल बिंड हैदराबाद को शिकस्त दी। गर्ल्स अंडर 18 सिंगल्स फाइनल नतालिया जमान ने दालिया शाजम को 0-6 से शिकस्त दे दी।